प्रोफेशनल लोगों के सामाजिक संगठन रोटरी क्लब पनवेल ने आज डीजी इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान रोटरियन डॉक्टर अनिल परमार ने रोटरी क्लब पनवेल के नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के तौर पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। डॉक्टर परमार पनवेल क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चुने जाने वाले चौथे रोटरियन हैं। उन्होंने अपनी नियुक्ति को बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए भरोसा दिलाया कि समाज की जरूरतों को पूरा करने और उपक्रमों के जरिए लोगों को सेवाएं देने के लिए वे सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। रोटरी क्लब पनवेल डिस्ट्रिक्ट 3131 की ओर से आज डीजी इंस्टॉलेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वासुदेव बलवंत फड़के ऑडिटोरियम में चले इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल परमार ने पनवेल डिस्ट्रिक्ट 3131 के नए गवर्नर के तौर पर पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में रोटरियन प्रदीप दावकर, डॉक्टर भरत पंड्या, डॉक्टर महेश कोटबागी, डॉक्टर गिरीश कुने समेत रोटरी क्लब के तमाम डायरेक्टर और सभासद भी मौजूद थे। यहाँ रोटरी की मैगजीन पत्रिका रूबरू और डायरेक्टरी का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल परमार ने अपनी नियुक्ति को बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि पनवेल, रायगढ़ और पुणे तक फैले 142 क्लबों और 6000 रोटरी सदस्यों के सहयोग से वे समाज की जरूरतों को पूरा करने और जनसेवी उपक्रमों के जरिए लोगों को सेवाएं देने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। उन्होंने रोटरियन से भी अपनी और समाज की सेहत का ख्याल रखने का आह्वान किया। आज रोटरी का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2022-23 के लिए मेरा पद ग्रहण समारंभ हुआ है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 ये पनवेल, रायगढ़, पूना ये सब कवर करती है। 142 क्लब है, 6000 से ज़्यादा मेंबर्स है। पनवेल से मैं चौथा गवर्नर हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि रोटरी इतना अच्छा काम करती है और मेरे पे ये जवाबदारी और विश्वास रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 के मेंबर्स ने किया है। और आज का जो समारंभ हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और हम लोग और अच्छा काम करेंगे। गए साल भी अच्छा काम हुआ, वर्षों से रोटरी अच्छी काम करते आई है और मुझे ये संधि मिली है और जवाबदारी भी है, लेकिन सबके सहयोग से बहुत अच्छा काम करेंगे और समाज की जो भी ज़रूरतें हैं जितना भी हम पूरा कर सकते हैं हमारे फंडिंग के हिसाब से वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। रोटरी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कटिबद्ध है और मेरी क्लब ब्लड बैंक और रोटरी मेगा मेडिकल सेंटर कई साल से चलाती है और हम ये साल 1 जुलाई को हमने और एक रोटरी हॉस्पिटल तलेगांव में करने का हमारे क्लब ने निर्णय लिया है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और समाज की जो भी कठिनाइयाँ है उसमें हम कितना मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। और एट द सेम टाइम रोटेरियंस ने अपनी तबीयत का और समाज की तबीयत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सबके लिए एंजॉय रोटरी, डिलीवर हैप्पीनेस एंड स्प्रेड स्माइल्स, ये मेरा मैसेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।